आशीष, मेरे पास अच्छी फोटो ही नहीं है पोस्ट करने को। अरे तुम्हारे पास बहुत अच्छी, मैंने फोटोज तो क्लिक की थी उस दिन। हाँ अच्छी नहीं लग रही है, देखो। दिखाओ। अरे बेबी, बट फोटो अच्छी तो है, बट उसको एडिट नहीं किया इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। तो एडिट करके दो। चलो मैं एक मस्त फोटो एडिट करके देता हूँ तुम्हें। अच्छा चलो। सो चलो गाइस, इसकी फोटो करते हैं हम एडिट। लेट्स जंप ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। सो ये रही फोटो जिसको हम कलर ग्रेड करने वाले। तो सबसे पहले गाइस इस फोटो को ओपन करेंगे, देन यहाँ से हम इसको थोड़ा सा यहाँ से करेंगे क्रॉप, क्योंकि हमें इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना, दैट इज 10:8:10 रेशियो, विच इज एन इंस्टाग्राम रेशियो, सो वी हैव टू क्रॉप। सो यहाँ से क्रॉप टूल में जाएंगे और सिलेक्ट करेंगे 8:10 और 4:5, दैट इज अवर इंस्टाग्राम रेशियो। और यहाँ से गाइस अगर हमें थोड़ा सा और बड़ा करना है, यानी कि फुल इमेज को थोड़ा सा एनलार्ज करना है, तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे कंटेंट अवेयर और इसको करेंगे थोड़ा सा साइज को इंक्रीज। सो ऑटोमेटिकली गाइस ये डिटेक्ट कर लेगा, सो जो इमेज है वो बड़ी हो चुकी है। अब गाइस यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले तो गाइस अगर ब्लेमिशेस हो फेस में तो यहाँ से ब्लेमिशेस को रिमूव करेंगे हल्का सा विद द हेल्प ऑफ ब्लेमिश टूल, एंड दैट्स इट, देयर इज नो मोर ब्लेमिशेस ऑन द फेस। और यहाँ से गाइस सिलेक्ट, सबसे पहले इसको करके डुप्लीकेट बाय प्रेसिंग कंट्रोल जे, ताकि हमें बिफोर एंड आफ्टर अगर देखना हो तो लास्ट पे हम देख पाए। सो जस्ट गो टू द फिल्टर और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे कैमरा फिल्टर, क्योंकि सारी कलर ग्रेडिंग गाइस हम कैमरा फिल्टर में ही करने वाले हैं। सो या नाउ लेट्स गो टू कैमरा फिल्टर और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बेसिक। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स इंक्रीज द कैनवास। ऑलराइट, और यहाँ से जाएंगे बेसिक और हल्का सा गाइस हम ब्लू स्टोन की तरफ जाएंगे टेम्परेचर, क्योंकि हमें थोड़ा सा टील इफेक्ट चाहिए हमारे फोटो में, दैट्स व्हाई वी विल जस्ट मूव द स्लाइडर टू टील। और यहाँ से हम एक्सपोजर को हल्का सा करेंगे इंक्रीज और कॉन्ट्रास्ट को करेंगे इंक्रीज गाइस थोड़ा सा, हाईलाइट्स को करेंगे डिक्रीज क्योंकि हमें नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा हाईलाइट्स, शेडोज को हल्का सा इंक्रीज करेंगे ताकि जो डिटेल्स हैं हेयर्स की वो सारी आ जाए, और वाइटनेस को करेंगे हल्का सा गाइस डिक्रीज, या ब्लैकनेस को करेंगे हल्का सा इंक्रीज ताकि जो 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 भी डार्क एरिया वहाँ पे एकदम परफेक्टली यू नो ब्लैक जो पार्ट है वो एकदम ब्राइट हो जाए। अब यहाँ से गाइस सिलेक्ट करेंगे वाइब्रेंस को हल्का सा इंक्रीज कर देंगे तो ताकि हमें जो वाइब्रेंस कलर चाहिए वो एकदम परफेक्टली आ जाए। और लास्ट में हम जाएंगे गाइस कैलिब्रेशन में और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ब्लू प्राइमरी कलर और जस्ट मूव द स्लाइडर टू द लेफ्ट, ह्यू की तरफ ले जाएंगे ताकि हमें जो इफेक्ट चाहिए दैट इज टील एंड ऑरेंज इफेक्ट, सो वो हमारे फेस में आ जाएगी। आप देख सकते हो बहुत यानी बहुत मस्त वाला लुक दिख रहा है। और यहाँ से रेड प्राइमरी कलर में गाइस हल्का सा एकदम ह्यू की तरफ ले जाना है और आप देख सकते हो फेस एकदम बहुत ज़्यादा हो गया, देन डोंट वरी वी विल जस्ट एडजस्ट एवरीथिंग लास्ट में। सो यहाँ से हम फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट करेंगे ग्रीन प्राइमरी का, यू कैन प्ले विद द स्लाइडर एंड सी व्हाट सूट्स द ग्रीन प्राइमरी। यहाँ से देख सकते हो कि फेस का कलर बहुत ज़्यादा रेड हो जा रहा है, देन उसको हम मिनिमल +6 अराउंड रखेंगे एंड दैट्स इट। और यहाँ से गाइस हम इफेक्ट्स में जाएंगे और विनियटी को ऐड करेंगे क्योंकि डार्कनेस हमारे फोटोज में चाहिए, राइट। सो इसको करेंगे ऐड विनियटी को मिड पॉइंट राउंडनेस फेदर हाइलाइट्स को भी डिक्रीज एंड हल्का सा विनियटी इफेक्ट। और गाइस यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे राउंड सर्कल, यानी कि जो ग्रेडियंट सर्कल रेडियल टूल है उसको इतना सर्कल क्रिएट करेंगे और यहाँ से हम लिटरली गाइस इसका एक्सपोजर है वो एकदम हल्का डाउन कर देंगे ताकि हमें डार्क इफेक्ट चाहिए हमारे फोटो में वो आ जाए। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा डार्क एक्सपोजर नहीं करना है, अदरवाइज योर फोटो विल लुक बैड। और यहाँ से सेम चीज़ यहाँ पे भी गाइस करनी, बट हैंड में नहीं करना क्योंकि हाथ में अगर हम करेंगे तो हाथ भी डार्क हो जाएगा। और लास्ट में गाइस अपर पोर्शन में भी सेम चीज़ करनी और यहाँ पे थोड़ा और डिक्रीज कर देते हैं। ऑलराइट, अगेन जाते हैं टू, नाउ लेट्स गो टू द स्प्लिट टोनिंग गाइस। यहाँ से हम जाएंगे कलर मिक्सचर में बट स्प्लिट टोनिंग में जाएंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे हाईलाइट्स को। अब जो हाईलाइट्स में हमें कलर चाहिए वो चीज़ हमें यहाँ पे ऐड करनी है, सपोज लेट्स से आई वांट अ लिटिल बिट ऑफ येलोइश कलर ऑन द हाईलाइट्स,
So I'll just select the yellowish tone over here and just saturation on normal. This month's saturation is perfect. अब shadows में जो भी colors है, but according to me shadows should be around 2019 or something like that. Yeah, this is a perfect shadow look. Bluish tone हल्के सी चाहिए हमारे shadows में, तो किसी उस tone की वजह से हमारे photo में अलग ही मस्त effect आएगा. Now let's just go to the detail or increase the sharpness. थोड़ा सा sharpness को increase करेंगे. Now curves में जाएंगे guys. और guys curves में से आपको हल्की सी मैटिस इफेक्ट अगर आपके फोटो में चाहिए देन हम नीचे से एकदम हल्की सी ऊपर की तरफ ले जाएंगे अपने फोटो को और बीच में से हल्का सा थोड़ा सा स्लाइडर को कर लेना हो एंड दैट्स इट. और यहाँ से हम थोड़ा सा क्रॉस क्रॉस इफेक्ट करेंगे सो जस्ट पुट द ब्लू टोन और एक टोन यहाँ से हल्की से डाउन करेंगे एकदम माइनर ताकि एकदम परफेक्ट इफेक्ट जो चाहिए हमारे फोटो में वो आ जाए. और इतना होने के बाद बेसिक एंड एवरीथिंग वी हैव डन एंड फाइनली इसको करते हैं डन. अब आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर इट इज लिटरली लुकिंग वे मोर बेटर. अब गाइस जो नेक्स्ट थिंग है दैट इज डॉजिंग एंड बर्निंग. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ यू नो एडिटिंग द फोटो. नॉट ओनली गाइस कलर इफेक्ट देने के बाद भी हम डॉजिंग बर्निंग करनी चाहिए ताकि हमारे फोटो एकदम एनहेंस हो जाए. अब इसको करते हैं कंट्रोल जे डुप्लीकेट दो बार कंट्रोल जे करेंगे. ऑलराइट सो ये वाली लेयर को हम डबल क्लिक करेंगे राइट क्लिक एंड ब्लेंडिंग ऑप्शंस. नाउ जस्ट गो टू द ब्लेंडिंग ऑप्शंस और यहाँ से हम जो अंडरनीथ जो यहाँ पे अल्ट की सिलेक्ट करेंगे गाइस. सबसे पहले इस वाली जो लेयर है उसको हम करेंगे स्क्रीन और यहाँ से जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्शंस में और प्रेस द अल्ट की फ्रॉम द कीबोर्ड और जस्ट मूव द स्लाइडर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड हिट ओके नथिंग एल्स. सेम चीज़ यहाँ पे हम इसकी ये जो ऊपर की लेयर उसको करेंगे मल्टीप्लाई और राइट क्लिक ओवर हियर ब्लेंडिंग ऑप्शंस और यहाँ पे हम राइट टू लेफ्ट ले जाएंगे गाइस स्लाइडर को एंड दैट्स इट. और इसको दोनों को कर देंगे डन और दोनों लेयर को सिलेक्ट करने के बाद बाय प्रेसिंग द कंट्रोल एंड सिलेक्ट बोथ द लेयर और उसके बाद हम कंट्रोल और कमांड जी करेंगे यानी ग्रुप कर देंगे. हाँ गाइस अब इस पे हम करेंगे ऐड अ लेयर मास्क और यहाँ से जाएंगे इमेज और सिलेक्ट करेंगे अप्लाई इमेज और यहाँ से जो लेयर सिलेक्ट करनी है दैट इज बैकग्राउंड वन जो हमारी इमेज थी और इसको करते हैं डन. अब यहाँ से गाइस आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर बहुत ही मस्त वाली डॉजिंग एंड बर्निंग हमारे फेस में हो चुकी है एंड दैट इज लिटरली लुकिंग वे मोर बेटर. अब यहाँ से हम थोड़ा सा रिमूव भी कर देंगे क्योंकि मुझे शेड हाईलाइट्स जो है उस एरिया में मुझे ज़्यादा सनलाइट नहीं चाहिए. सो यहाँ से ब्रश सिलेक्ट करेंगे और फोरग्राउंड कलर में ब्लैक कलर और यहाँ से थोड़ा कर देंगे हल्का सा डिक्रीज और सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे. अगर गाइस यहाँ पे भी आपको कंटेंट अवेयर की ये दिस टूल की मदद से अगर करना हो दैन यू कैन डू दैट ऑल्सो. जस्ट मर्ज बोथ द लेयर्स एंड दैट्स इट. अब कंट्रोल जे करेंगे डुप्लीकेट और ये वाला पोर्सन है वाइट जो पोर्सन है उसको हम करेंगे सिलेक्ट. यहाँ से नॉर्मल हम सिलेक्ट द मार्की टूल और करेंगे राइट क्लिक ओवर हियर एंड फिल विथ द कंटेंट अवेयर एंड विल सी द मैजिक गाइस. आपको बताइए कंटेंट अवेयर की मदद से आप कोई भी बैकग्राउंड को स्ट्रेच कर सकते हो राइट. सो यहाँ से हम करेंगे स्ट्रेच और दैट्स इट. ये इंक्रीज हो गया है इमेज. अब सेम चीज़ गाइस हम यहाँ से क्रिएट अ न्यू लेयर और यहाँ से गाइस हम थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे सनलाइट इफेक्ट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ब्रश टूल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ये वाला सनलाइट यानी कि ऑरेंज टोन और इसको करते हैं डन. कंट्रोल डी चेंज द ब्लेंडिंग मोड टू स्क्रीन और इसको प्लेस करते हैं हल्का सा ओवर हियर और आप देख सकते हो कि मैजिक दिस इज लिटरली लुकिंग सो मच फ्रीकिंग अमेजिंग गाइस. यहाँ से एक और क्रिएट अ न्यू लेयर और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे वाइट टोन वाइट कलर एंड जस्ट गिव वन स्ट्रोक ऑफ दैट कलर और यहाँ से हम इसको भी प्लेस करेंगे ओवर हियर. अब आप देख सकते हो कि फोटो में लिटरली इट इज लिटरली लुकिंग वे मोर बेटर देन ओरिजिनल फोटो.
हमने बैकग्राउंड चेंज नहीं किया, बट ये जो फोटो दिख रही है ना गाइस, दैट इज लिटरली नेक्स्ट लेवल। जस्ट फिल्टर या एप्री सेट ऐड करने के बाद आपका फोटो में काम कंप्लीट नहीं होता, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें करनी। तो अब देख सकते हो कि गाइस, अगर मुझे यहाँ पे अब देख सकते हो मुझे लिपस्टिक्स भी थोड़ी सी अगर करनी हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। क्रिएट अ न्यू लेयर, सिलेक्ट द ब्रश टूल, और यहाँ से हम करेंगे पिंक कलर सिलेक्ट या रेडिश पिंक टोन, और इसको जस्ट पेंट करना है गाइस, नथिंग एल्स। यहाँ 20% ले जाएंगे और इसको करेंगे मर्ज। सो आप देख सकते हो कि हमने जो लिपस्टिक्स भी ऐड कर दिए, एंड या दैट इज लुकिंग सुपर अमेजिंग। सो या दैट्स इट गाइस, आप देख सकते हो विदाउट कंटेंट अवेयर, और ये विद कंटेंट अवेयर इट इज लुकिंग वे मोर बेटर। सो हियर इज एन ओरिजिनल फोटो एंड हियर इज अवर एडिटेड फोटो। सो फाइनली फोटो एडिट हो चुका है। या तुमने देखी ये फोटो कैसी एडिट हुई है? वाओ, इतनी अच्छी फोटो। पसंद आई? बहुत। चलो कोई बात नहीं। सो गाइस, आई होप सबको पसंद आया होगा कैसे एडिट करते हैं फोटोज को। मैंने पूरा जो एक्सप्लेन किया वो सारी चीज, यू नो, कलर ग्रेडिंग, सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो काइंडली प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल Ashwir Creations. And also guys, don't forget to follow us on Instagram, just tap Ashwir Creations. So yeah, we'll take you see all more of that interesting video. Till then guys, be creative and be awesome.